अस्सलामुअलैकुम मैट्रिक मैथ्स एक्सरसाइज 2.5। तो जनाब क्वेश्चन हमारे पास क्या है जा रहा है, सिंपलीफाई करें। और क्वेश्चन हमें गिवन है अंडर रूट 169। जनाब अगर हम 169 का एलसीएम लें ना, तो इसको हम किससे कैंसिल कर सकते हैं, 13 की टेबल से। 13 ज़ा 169, ठीक है। 13 ज़ा 30, ठीक है। तो जनाब हमारे पास दो दफ़ा 13 आया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अंडर रूट 13 × 13। अब दोनों सेम है ना, इसको हम एक दफ़ा करके बाहर निकाल लेंगे। तो यानी है जब ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन आ जाएगा, बाहर सिर्फ 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब ये दो सेम वैल्यूज हैं, इसको एक दफ़ा लिख के बाहर निकाल लेंगे, सिंपल। तो ये हो गया 13। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन में है 180। अब ये 180 को अगर हम एलसीएम लेना, तो हमारे पास आएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5, ठीक है। ये एलसीएम हमारे पास आएगा, तो 3 दो दफ़ाएँ और 2 दो दफ़ाएँ, ठीक है, 2 दो दफ़ाएँ। तो 2 को आपने बाहर निकाल लिया, 3 को बाहर निकाल लिया, अंडर रूट में आपके पास सिर्फ बचा 5। 2 × 3 = 6, अंडर रूट 5। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब देखें 12 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 12, इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 12 × 12, एक साथ भी करके लिख सकते हैं। अब दो दफ़ा 12 आ रहा है, तो इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे बाहर निकाल के, तो ये हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई बाय 12। अब यहाँ से देखें हमारे पास क्या आ रहा है, 16 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 मल्टीप्लाई बाय 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ठीक है। 4 दो दफ़ा है और 2 भी 2 टाइम्स है, तो इस 4 को बाहर निकाल के लिख लिया, इस 2 को बाहर निकाल के लिख लिया, अंडर रूट में 3 बचा, 4 × 2 = 8, अंडर रूट 3 एज इट इज़। क्वेश्चन नंबर 5, अब 14 है ना हमारे पास, 14 को हम लिख सकते हैं 7 × 2, और 21 को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, क्या लिख सकते हैं हम इसको, 7 × 3, सही। 21 को 7 × 3 में ब्रेक कर दिया, 14 को 7 × 2 में ब्रेक कर दिया। अब 7 टू टाइम्स है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, और रूट में हमारे पास क्या बचा, 2 × 3, तो ये रहेगा 7 × 2 = 6, रूट 6। ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, √15 / √5। अब इस रूट 15 को ना हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस रूट 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3 / √5, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 5 अलग कर दिया, मल्टीप्लाई बाय रूट 3 अलग कर दिया, डिवाइड में रूट 5 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो बचा क्या आपके पास, सिर्फ √3। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, √76 / √76, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 1। अब देखिए ये 18 है और डिवाइड में है √18। अब ये √18 है ना, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, √18 × √18 / √18। अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो √18 अंडर रूट में क्या जाएगा, 18 × 18, तो इसको फिर हम दोनों सेम होंगे, एक दफ़ा बाहर निकाल के लिखेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका ये भी है, अंडर रूट 18 से अंडर रूट 18 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आपके पास आएगा √18, ठीक हो गया। 9 क्वेश्चन हमारे पास है, अब यहाँ से आपके पास क्या आएगा, देखें 2 √, अब ये 28 को आपने ब्रेक कर देना है, 28 किस में ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा 7 × 4 में, डिवाइड में आपके पास है √7। फर्दर ये क्या हो जाएगा, 2, अब ये √7 एज इट इज आया, मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो 4 है इसको आप कैसे लिख सकेंगे, ये जो √4 है ना, इसको ब्रेक करके लिख दें 2 × 2 में, ये दोनों सेम हो गए, डिवाइड में आपके पास है √7, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल, तो ये वाला 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 2, अंडर रूट में 2 टाइम्स है, बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4। और ये इस क्वेश्चन का है आंसर। 10 पार्ट में हमारे पास देखें क्या है, अब 3 √5 × 8 √5। अब इसमें आपने क्या करना है, सिंपल इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपके पास कुछ एक चीज़ कॉमन आ रही है, अब इसमें आपके पास कॉमन क्या है, सबसे पहले तो आपने ये देखना है, अच्छा बीच में आपके पास है प्लस का साइन, ठीक है, 3 √5 + 8 √5, तो √5 तो कॉमन आ रहा है, बचा क्या,
3 प्लस 8, और ये आपके पास फर्दर क्या रहेगा, रूट 5, और 3 प्लस 8 किसके बराबर होगा, 11 के, तो आपने 11 पहले करके लिख दिया, यानी 11 रूट 5 इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे 5 रूट 8 माइनस 2 रूट 8, जब यहाँ पे आपके पास कॉमन आ रहा है रूट 8, तो आपके पास बचा क्या, 5 माइनस 2 बराबर होता है 3 के, 3 रूट 8 इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। 12th पॉइंट में हमारे पास यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, रूट 23, बचा क्या आपके पास, 34 प्लस 38, तो 34 प्लस 38 आपके पास बराबर होता है 72 के, रूट 23 एज इट इज़, ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। ठीक है, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई।